ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 15/6/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। प्रश्न है, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी भी कॉलेज की नहीं है, हो सकती। उत्तर है, यही एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है। स्वयं निराकार भगवान टीचर बन यहाँ पढ़ाते हैं। यह ऐसा विचित्र बाप है जिसे कोई बाप नहीं है, जिसे कोई चित्र नहीं है, टीचर नहीं है। पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई से तो एक जन्म की तकदीर बनती है और इससे 21 जन्मों की तकदीर बन जाती है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं। क्यों तकदीर को क्या हुआ है भाई? तकदीर को लकीर लगी हुई है। भारत तकदीरवान था, भारतवासी देवी देवताएं थे, तकदीर जगी हुई थी। अभी भारतवासी नर्क के मालिक है तो तकदीर उझाई हुई है। ये कौन समझाते जो सभी की तकदीर बनाते हैं? सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है। यह दुखधाम है। भारत 5000 वर्ष पहले सुखधाम था। सबकी तकदीर जगी हुई थी, अब तकदीर सोई है। सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा। बाबा रचयिता है। अब तुम जानते हो भारत में सब मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? ऐसे नहीं, सतयुग में इतने सब मनुष्य थे। पहले सतयुग में 9 लाख होते हैं। देवी देवता धर्म की शुरुआत होती है। बाबा कहते हैं कि ये सब बातें समझने वाला, ज्ञान समझाने वाला है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। बच्चों से पूछेंगे तुम्हारा बीज रचता कौन है, तो कहेंगे मम्मा बाबा ने हमको रचा है, क्योंकि माँ बाप से हम जन्म लेते हैं। बाप स्त्री को जन्म नहीं देता है, बाप स्त्री को जन्म नहीं देता है, मन पत्नी को एडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री हो, मेरी पत्नी हो। फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, वे है क्रिएटर। स्त्री को एडॉप्ट किया, कन्या पराए घर की होती है, उनको अपनी पत्नी बनाते हैं। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके बच्चे उनको माता पिता कहते हैं। वह है हद के माता पिता। बाप कन्या की शादी कराते हैं, पहले कन्या पवित्र है तो कितना उसका मान होता है। फिर विकारी बनने से वो मान नहीं रहता है समाज के अंदर। कहते हैं कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब बाप बैठ समझाते, यह जो ब्रह्मा कुमारियां हैं, यह इस समय भारतवासियों का 21 जन्मों के लिए उद्धार करती है। यह सब कुमारियां हैं, भले शादी की हुई है लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, माना भाई बहन बने हैं, तो विकार में नहीं जा सकते, काम कटारी नहीं चला सकते। पवित्रता का मान है ना, सन्यासी पवित्र बनते हैं उनका भी मान है ना। तो घर गृहस्थ में रहने वाले हमारे युगल भाई बहने जो हैं उनको बहुत बहुत शाबाश की बाबा दे रहे हैं। गृहस्थी में रहते आप पवित्रता के शिव धनुष को आपने पेला हुआ है, तो शिव धनुष माना शिव के श्रीमत पर आप चलते हैं। बहुत बड़ी है उनकी महानता है, विशेषता है। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था, संपूर्ण निर्विकारी था। मंदिरों में जाकर के कहते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम्हारा वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहे, हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, यूरोप में रहने वालों का धर्म यूरोपियन, ऐसा तो नहीं होता ना, उनका धर्म तो क्रिश्चियन है। हिंदुस्तान में रहने वालों का भी हिंदू धर्म नहीं है, धर्म और होना चाहिए ना। बाबा समझाते, जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि अपने धर्म को वो भूल गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, जो देवी देवता कुल के हम हैं, अपने धर्म को भूलने के कारण खुद को
हम देवता नहीं कह सकते, हिंदू कहने लगे। तो हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म है हमारा, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहाँ तो किसको ये भी पता नहीं है कि हम कौन से धर्म के हैं, किस धर्म के हैं। कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा हमारे धर्म संस्थापक गुरु नानक देव है, उन्होंने यह धर्म कैसे स्थापन किया ये भी तुम जानते। कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन नहीं करती है, लेकिन पतित शरीर में पवित्र आत्मा परमधाम से आकर के अपना धर्म स्थापन करती है। जो जो धर्म स्थापक होते हैं वह पहले पहले पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते। जैसे गुरु नानक को बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश किया और सिख धर्म की स्थापना की। यह ब्रह्मा का भी पतित शरीर है और उनमें ज्ञान सागर बाबा आए हुए हैं। तुम जानते हो हमारा वह बाप है, यह आत्मा कहती है अब तुम्हें आत्मा अभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है, जैसे कोई कहते हैं ना मैं मर्चेंट हूँ, आई एम बिजनेसमैन, मैं मर्चेंट हूँ, मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करता हूँ। अच्छा, यह आत्मा ने इस ऑर्गन्स द्वारा कहा, आत्मा कहती मैंने 84 जन्म पूरे किए, बाप बैठ समझाते मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप, मेरा अवतरण भारत में ही होता है, मुझे अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, मेरा अवतरण भारत में होता, यादगार में शिवलिंग दिखाते, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप तो है नहीं, मैं हूँ स्टार। जैसे आत्मा स्टार है, आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा, गरीबानु ही साहिबा लगता अति प्यारा। आत्मा बहुत छोटी है, लाइट का साक्षात्कार बहुत करके सफेद ही होता है। अभी कितने करोड़ आत्माएं हैं, सतयुग में इतनी शरीरधारी आत्माएं नहीं होती, अगर सतयुग में इतनी होती तो अब तक अरबों को जाते, इतने तो है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह कोई साधु संन्यासी नहीं, यह तो बाप समझाते, इस बाप का कोई बाप नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, श्री कृष्ण का भी बाप था ना, बेहद का बाप कहते हैं मेरा कोई बाप नहीं है, न टीचर है। सतयुग में भी बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाएंगे, टीचर तो होगा ना, हमारा तो कोई टीचर नहीं है। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूँ, मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा, लेकिन इस राजयोग की शिक्षा से आप राजा रानी बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, सतयुग में राज्य करते थे, यह निराकार बाप इस शरीर में विराजमान हो पढ़ाते हैं हम आत्माओं को। हम आत्माएं पढ़ती है, वो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाबा कहते हैं मैं तुमको अपना वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए, सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे, रावण भूत वहाँ होता नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, अभी है संपूर्ण विकारी दुनिया। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं, स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़कर पास करेंगे टीचर बनेंगे, यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो, वह तकदीर बनाते हैं इस 1 जन्म के लिए। स्कूल में पढ़कर शरीर निर्वाह के लिए कमाई करेंगे, अपना और दूसरों का शरीर निर्वाह होगा, तो उन स्कूल में 1 जन्म की तकदीर बनती है। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर या इंजीनियर आदि नहीं बनते हैं, वो तो 1 जन्म के लिए बनेंगे ना, दूसरे जन्म में फिर पढ़ना होगा, वह है शरीर निर्वाह का धंधा 1 जन्म के लिए। बाप तो कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूँ, यह बेहद के बाप ने कहा, उनका कोई बाप नहीं। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं हाँ बच्चे तुम कल्प, हमारे कल्प पहले थे अभी फिर बने हो, यह है ईश्वरीय बाप से, यह है ईश्वर बाप से बच्चों का स्नेह। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला कर दिया जब सतगुरु मिला तरह।
5000 वर्ष पहले तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर हेल्थ और वेल्थ दी थी, याद है? क्योंकि नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से तकदीर बनाते हैं, वो होती है हद की पढ़ाई और यह है बेहद की पढ़ाई। बेहद की तकदीर, यह स्कूल है, सत्संग नहीं है। सत्संग में तो जाते हैं, रामायण भागवत ग्रंथ आदि सुनाते हैं। बाबा तो नॉलेज स्कूल है, बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, जाने जानन हार हूँ, आई एम नॉलेज स्कूल, आई नो एवरीथिंग। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, वो मोस्ट बिल्वेड बाप जिसको सब याद करते हैं, इस पति दुनिया में आए हैं, आकर के सुख घनेरे दे रहे हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घनेरे। अब सन्मुख आकर बच्चे बने हो, बाबा है विचित्र, उनका कोई चित्र नहीं है। चित्र नहीं माने शरीर नहीं है, ये द बियॉन्ड बॉडी, बॉडी से भी अलग है, डिटैच है। बॉडी है ही नहीं परमात्मा को, चित्र है नहीं। इस चित्र के आधार पर बिगर शिक्षा कैसे देवे, इसलिए कहते हैं मैं शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो हमको कोई गुरु मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते हैं। लिखा हुआ है भगवान वाशु वो है निराकार, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः और फिर शिव परमात्मा नमः। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि वह है सूक्ष्म वतन वासी, देवताएं हैं रचना, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तो फिर मनुष्य मनुष्य को कैसे वर्षा दे सकते हैं? तो इन बातों को कोई समझ न सके, ये है गॉड फादरली कॉलेज। भगवान पढ़ाते हैं बच्चे, मैं तुमको मनुष्य से देवी देवता बनाता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सन्यासी हरी निवृत्ति मार्ग के, सतयुग में तो प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे, अब मैं फिर से आया हूँ पतितों को पावन बनाने। जितना मुझे याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। आत्मा ही पतित होती है, जैसे सोने के सोने में खाद पड़ती है फिर जेवर खाद वाला बनता है, आत्मा में ही खाद पड़ती है तो आयत में जड़ बन जाती है। अब सभी तमो प्रधान हैं, फिर तुम आत्माएं सुंदर बनेगी तो शरीर भी सुंदर खसदास मिलेगा। सतयुग में तुम गोरे अर्थात सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते श्याम अर्थात सांवरे बने, इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। एक की तो बात नहीं, सारी राजधानी गोरी सुंदर थी, अब श्याम बन गई है, आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया। देवी देवता धर्म वाले ही, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम नीच पापी है, इसमें हमारे में कोई गुण नहीं, हम कंगाल हैं, हम दुखी हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, भारत डबल सिरताज था, अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, बाप को जानते नहीं। ये तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशयंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। किसकी? यादव और कौरवों की तो विनाशकारी विपरीत बुद्धि है, जो बाबा को जानते नहीं और हम जो पांडव बैठे हैं परमात्मा को जानते हैं, उनके श्रीमत पर चल रहे हैं, खुद पावन बन औरों को भी पावन बना रहे हैं। भगवान वास तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी वह अब जग चुकी है। तकदीर बन जाने कि ये पढ़ाई है, स्वर्ग का मालिक को स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा ना, स्वर्ग की स्थापना करने वाला है हेवन दी गॉड फादर। नर्कवासी माया बनाती है, तुम गाते हो दुख में सिमरण सब करे सुख में करे न कोई। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़े। अब भगवान घर बैठे आए हैं भारत में, भारत उनका घर है ना, शिवरात्रि भी यहाँ मनाते हैं, मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान अमृत अथवा सोम रस कहा जाता है। गोल्डन एजेड बनाने के लिए नॉलेज देते हैं तो नाम सोमनाथ पड़ा है। अभी तो भारत कितना कंगाल है, तुमको इस समय तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, कहाँ बैठ कर पढ़ते हो? यहाँ तो यह तो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है,
तुम मिड गेट हो। मिड गेट कहते हो ना बाबा, मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। आत्मा बोलती है शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ। जैसे जैसे ज्ञान में आते हैं बच्चे तो बाबा को बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं कि 6 मास का बच्चा, 12 मास का बच्चा माना मिड गेट हुए, मैं आपका बना हूँ। अच्छा, अब अच्छी रीति पढ़ो। क्यों अच्छी रीति पढ़े? क्योंकि बाबा हम बच्चों को साथ लेकर के जाएंगे। सन्यासी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते, बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते, समझते हैं ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन यह उनका मीठा भ्रम है। ब्रह्म तो हमारा घर है। ब्रह्म तत्व जिसमें हम अशरीरी आत्माएं निवास करती हैं, उनको भगवान कैसे कहा जा सकता? फिर कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा तो अविनाशी है, उनको पाठ बजाते ही रहना है। बाप अच्छे से बैठ सब जाते, यह दादा भी भल शास्त्र आदि पढ़े हुए थे परंतु मुझे नहीं जानते थे। अब इनको भी मैं सुनाता हूँ, इनकी आत्मा सुनती है, मैं इनके बाजू में आकर के बैठता हूँ। ब्रह्मा बाबा के बाजू में आकर के शिव बाबा बैठते हैं। तुमको पढ़ाता हूँ, यह भी सुनते हैं, इनके मुख से ही पढ़ाता हूँ, तुमको देही अभिमानी बनाता। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं तो बच्चे बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले मुआपी सन्यासियों आदि को अपने शास्त्र ही बुद्धि में आएंगे, यहाँ कोई शास्त्र की बात नहीं। बाप को क्या याद आएगा, वो तो मालिक है, तुम याद करते हो बेहद के बाप को। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, दादे से वर्षा लेते हो ब्रह्मा द्वारा। फादर है साकार, ग्रैंड फादर है निराकार, शिव बाबा की आत्मा इसमें है, दोनों है निराकार। यह है साकार, साकार फादर ब्रह्मा, फादर भी है तो मदर भी है, इनसे तुमको एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहली पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। एक बाप की मत पर चल, अपना खाना आबाद करना है। दूसरे पॉइंट, आत्मा अभिमानी बनना है, याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान, सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल प्राप्त दीर भव। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, बाबा कहते हैं कभी ना उम्मीद नहीं बनो। कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं तो बच्चे ना उम्मीद होते हैं। जैसे बाबा ने हर बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी है ना, कोई कैसे भी हो, बाप लास्ट नंबर में से भी कभी दिल शिकस्त नहीं हो, नहीं बने ब्रह्मा बाबा, सदा ही उम्मीद रखी। तो आप भी अपने से, दूसरे से, सेवा से कभी भी ना उम्मीद या दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना प्राप्त दिल, ब्रॉड माइंडेड दिल, सदा बड़ी दिल हो, कोई भी कमजोर संस्कार धारण नहीं करो। नॉलेज फुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। आज का स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग ही न कर सके। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई आपको अलग कर न सके। तो ऐसे सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़े दिल ठाक दिल। भाई बहनों को ओम शांति, हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, प्यारे मेरे बाप दादा को भोग लगाएंगे और सभी बच्चे उसका स्वीकार भी करेंगे। ओम शांति।